आप अपनी न्यूज के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद निर्धारित होने हैं और उम्मीद है कि अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सत्र पर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं गोपीराम चाडीवाल, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने 50 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाए हैं। गोपीराम चाडीवाल पिछले 5-6 दिन से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि गोपीराम चाडीवाल जो हैं वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अभी जो अध्यक्ष नियुक्त हुई है कुमारी शैलजा, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इसी सिलसिले में आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे रूबरू होंगे कि वो इस एलनाबाद विधानसभा चुनाव के अंदर अपना जो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं उसके क्या मायने हैं, क्या उनको पार्टी की तरफ से पूरे निर्देश मिल चुके हैं कुमारी शैलजा की तरफ से कि वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। जी गोपीराम जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। आप जी, अब चुनाव आने वाले हैं और अभी आप पिछले 4-5 दिन से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हो, तो क्या ये माना जा सकता है कि आपकी जो टिकट है कांग्रेस पार्टी से वो फाइनल हो चुकी है? हाँ, मैं अभी दिल्ली में हाईकमान से मिलकर के आया हूँ, उसमें महंत शैलजा जी के पास भी गया हूँ। उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों के जाओ, पार्टी का प्रचार करो, तो मैं अपने साथ जुड़ूँ और पार्टी आपकी पूरी पूरी मदद करेगी टिकट देने के लिए, इसलिए मैं लोग गाँव के अंदर घूमने के लिए निकला। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब पिछली बार जो मैदान में थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भादू जी और उससे पहले यहाँ के पूर्व विधायक हैं वर्त सिंह बनीवाल, तो उनकी टिकट लगभग कट चुकी है आपके परिदृश्य में? भादू जी तो चुनाव मैदान में नहीं ना, वो तो पहले घर बैठे, उन्होंने तो कह दिया मैं तो राजनीति छोड़ दी, मैं तो राजनीति करता नहीं। और बाकी वर्त सिंह भी यहाँ से पहले भी MLA रहे हैं, वो भी कोशिश करने लग रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि टिकट मेरे को ही मिलेगी। उनको पिछले 4 इलेक्शन है लगातार, वो 3 इलेक्शन हार गए और 2010 का जो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे वह इलेक्शन जो हारने ना जीत सकया, वो अब क्या इलेक्शन जीतेगा? तो जनसंपर्क अभियान जो है अभी आपने सिर्फ 4-5 दिन पहले ही चलाया, इससे पहले मतलब पार्टी के लिए पिछले 5 साल में आपने क्या किया है? क्या सिर्फ यही एक कारण है कि आप शैलजा के करीबी हैं इसलिए आपको टिकट दी जाएगी? मैं 5-4 साल की बात क्यों कर रहे हो, जब भी शैलजा ने चौटाला से लेकर के और जिंदगी की यात्रा की पैदल यात्रा हमने की है, चाहे पंचकूला जो गए थे वहाँ हुड्डा साहब साथ वो यात्रा हमने की है, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं पार्टी के उसके अंदर हम सारे उनके साथ रहे हैं। जो प्रोग्राम हुआ या डॉक्टर KV सिंह के चुनाव लड़े उनके साथ रहे लोगों, यहाँ कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, एक बार कमज़ोर हो गई थी, हमने गाँव में जा जा करके कांग्रेस को दोबारा जिंदा किया है और जो संगठन बिल्कुल यहाँ नहीं था हम लोगों के बीच जा जाकर पार्टी के साथ जोड़ने की पूरी उन्होंने पीछे कोशिश की, हम लगे रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर। पिछले हमारा संगठन कुछ कमज़ोर था, कुछ लोग वहाँ से वापस चले गए थे, हम उसको वापस लेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आप समर्पित कार्यकर्ता हैं, उस परिदृश्य में आपको टिकट दे दी जाएगी, तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो आपको वोट देकर विधानसभा में भेजे, इसके लिए आपकी क्या उपलब्धि है? आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है अब तक? आपने जो 50 साल की जो राजनीति का जो समय बीत चुका है, इसमें यहाँ की जनता के लिए आपने क्या प्रयास किए? जनता के जो हमारे जो लीडर जितनी कांग्रेस पार्टी, चाहे शैलजा जी आए, चाहे डॉक्टर KV सिंह जी आए, या उससे पहले हम भरत सिंह के साथ भी थे, उससे पहले या जगदीश नारायण चुनाव लड़ा था 1989 के अंदर, उनके साथ रहे हैं, लोगों के जोड़ कांग्रेस जोड़ने का हमारे बहुत बड़ा काम किया ना, हमने कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं की। या तो कुछ ऐसे लोग होते हैं टिकट मिलती है तो झंडा कोई होता है, डंडा कोई होता है, आज पिछली बार आपने देखा कुछ ऐसे ही आगे नुमाइंदे हैं जो आज कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने लोकदल को वोट कराए थे, अब नहीं मिलेगी तो वो लोकदल, जनता को पता है, आपको भी पता है सारी बात है। देखिए, हम आज तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के रहे, चाहे हमें टिकट मिले ना मिले,
अब भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, लोगों में प्रचार करेंगे, लोगों में दूसरों के साथ रहें, सारा काम करें। अब आपका आगामी जो टिकट जब तक नहीं मिलती है तब तक का आपका जो जनसंपर्क अभियान है वो किस तरह का रहेगा, और पिछले चार दिन में आपने किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाई हुई है? मैं गांव के अंदर जाता हूँ, पन्ने वाइज जाता हूँ गांव के अंदर, जिस तरह गांव में चार पांच पन्ने, जिस तरह कोई हरिजनों का पन्ना है, कोई जाटों का है, कोई ब्राह्मणों का है, कोई खातियों का है, कोई बैकवर्ड का है, कोई एससी का है, इस तरह हम पन्ने वाइज जाते हैं। जिस तरह अब वहाँ आदमी आगे इकट्ठे कर लिए, फिर अगले वाइज हम कोई लाउड स्पीकर लेकर गए, ऐसे गाँव में बुनियादी नहीं कर रहे, भी हम आ रहे हैं, हमारे लिए कुर्सियाँ डालो। हम हर लोगों के घर तक जाते हैं, कोई झोपड़ी खेत में वहाँ भी जाते हैं, सबके पास मिलते हैं, और पाना वाइज हम गाँव में जाते हैं, सबके पास मिलते हैं। तो ये गोपीराम चाडेवाल जी हैं, अपनी दावेदारी पूरी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी और यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि इनकी टिकट फाइनल होती है नहीं होती है, अगर हो जाती है तो यहाँ की जनता इन पे कितना विश्वास कर पाती है और ये जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर पाते हैं।